हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेदा ऑफ आईओस। आज हम पढ़ेंगे रेनी सीज़न। इसमें मतलब आपको ग्रीष्म ऋतुचर्या पढ़ना है। इसमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी, वो वीक हो जाती है, आपकी अग्नि मंद हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका वात का प्रकोप रहता है, पानी काफ़ी गंदा रहता है, तो आपको पानी को अवॉइड करना है। मतलब चप्पलें होनी चाहिए, पैर में नंगे पैर नहीं जाना है, कि आपकी जो अर्थ होती है वो ठंड गर्म रहेगी, क्योंकि बारिश पड़ती है और गर्मी भी रहती है, तो उससे उमस हो सकती है। दोष एग्रीवेटेड रहेंगे तो डिजीज़ कॉज हो सकती है, तो आपको बैलेंस करने हैं अपने दोष। इसमें आप पंचकर्मा थेरेपी करा सकते हैं, आस्थापन बस्ती भी इसमें आप करा सकते हैं। ओल्ड ग्रीन्स आपको यूज़ करने हैं खाने में, डेजर्ट लाइक लैंड का मीट यूज़ कर सकते हैं, पल्स का सूप यूज़ कर सकते हैं, वाइन पी सकते हैं, ग्रेप या फर्मेंटेड डेकोक्शन की, जो कि आपके ओल्ड हो। मस्तु ले सकते हैं, इसमें पंचफूल का पाउडर ले सकते हैं, रेन वाटर जो डीप वेल का होता है वो ले सकते हैं, वेल बॉइल्ड जो पानी होता है उसको पी सकते हैं आप। आपको खाना कैसा लेना है, इसमें सोर सॉल्टी एंड अनक्यूटस स्निग्ध लेना है, ड्राई मिक्स्ड विद हनी, और जो इजी डाइजेस्ट हो जाए। पर्सन को मतलब आपका फूड पे नहीं चलना, मतलब आपको या तो स्लीपर्स पहनने हैं, नंगे पैर नहीं जाना है, व्हीकल पे जा सकते हैं। आपको अवॉइड क्या करना है, रिवर वाटर नहीं यूज़ करना है, उदमंथन नहीं यूज़ करने हैं, दिन में नहीं सोना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई क्वाइटस नहीं करना है, और सन में नहीं जाना है। ये सब आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।